हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हनीसकल बुक क्लास 6 का चैप्टर 3 तारोज रिवॉर्ड यानी कि तारों का इनाम की समरी को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन। तारोज रिवॉर्ड इज अ पॉपुलर फेरी टेल इन जापान। तारों का रिवॉर्ड यानी कि तारों का जो इनाम है, एक बहुत ही मशहूर जादुई कहानी है जापान की। इट इन्वॉल्व्स द स्टोरी ऑफ अ सन तारो हु वांटेड टू फुलफिल The wishes of his father। और जो स्टोरी है ये घूमती है, एक लड़का है जिसका नाम तारो है और जो कि तारो अपने जो फादर हैं उनकी जो विशेष है, इच्छा है, उसको फुलफिल यानी कि पूरा करना चाहता है। तारो वॉज अ पुअर बॉय और तारो एक बहुत ही गरीब लड़का था। ही अर्न मनी बाय चॉपिंग वुड्स फ्रॉम द जंगल और वो पैसे कमाता था लकड़ियों को काट के, जंगलों से वो लकड़ियों को काटता था और उसको बेच के वो पैसे कमाता था। बट द मनी ही अर्नड वॉज नॉट सफिशियंट फॉर हिम एंड हिज पेरेंट्स। बट जो वो लकड़ी काट के जो पैसे कमाता था काफी नहीं था उसके लिए और उसके पेरेंट्स के लिए वो काफी बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि वो बहुत ही थोड़े पैसे कमाता था। वन डे इट स्टार्टेड ब्लोइंग कोल्ड विंड्स और एक दिन ठंडी हवा बहने लगी। ऑल पीपल इन द होम फेल्ट कोल्ड ड्यू टू द विंड पासिंग फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द वुडन हाउस और सारे लोग को बहुत ठंड लगी क्योंकि बाहर ठंडी हवा चल रही थी और वो हवा जो दरार है, क्रैक्स थे जो घर में, क्रैक उनके जो घर था वो लकड़ी का बना हुआ था और उनके बीच में जो क्रैक्स थे उसमें से हवा आ रही थी जिससे कि सभी लोगों को बहुत ठंड लग रही थी। हिज फादर विश्ड इफ ही कुड हैव सम साके टू एनर्जाइज हिज हार्ट और उनके जो पापा हैं तारो के जो फादर हैं उनकी इच्छा हुई कि वो एक साके पी सकें। साके इज अ पॉपुलर एंड कॉस्टली ड्रिंक ऑफ जापान। साके बहुत ही पॉपुलर और महंगी ड्रिंक है जापान की और जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे, बहुत आसानी से मिल जाती है। तो तारो के फादर ने ये चाहा कि उनको साके मिल जाए ताकि वो एनर्जाइज हो जाए, वो ऊर्जा से भर जाए। द अपीयरेंस ऑफ द मैजिकल वाटरफॉल। अपीयरेंस का मतलब था बनावट एंड वाटरफॉल का मतलब झरना। तारो वॉज सैड एज ही डिड नॉट हैव मनी टू बाय द एक्सपेंसिव साके और जो तारो था बहुत ज़्यादा उदास था। वो उदास क्यों था? क्योंकि उसके पास काफ़ी पैसे थे ही नहीं। जो साके है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है, कि बस पैसे नहीं थे साके को खरीदने के लिए। He decided to work hard. तो उसने डिसाइड किया, उसने फैसला लिया कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट डे ही वोक अप अर्ली एंड वेंट टू द फॉरेस्ट टू चॉप वुड। अगले दिन उसने जल्दी जगा और वो जंगल में गया लकड़ी को काटने के लिए। सडनली ही हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर। अचानक उसको पानी के गिरने की आवाज आई। जैसे पानी जब गिरता है, झरने से पानी गिर रहा है, तो उसको वो आवाज सुनाई दी। It perplexed him as there was no river here earlier. और वो असमंजस में पड़ गया, असमंजस का कन्फ्यूज़ हो गया वो, क्योंकि उससे पहले वहाँ पे कोई नदी थी ही नहीं और अब उसे फॉलिंग वाटर की साउंड सुनाई दे रहा है। Since he was also thirsty, he followed the sound of water. क्योंकि वो भी बहुत प्यासा था तो उसने जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसका पीछा किया और उस जगह पे गया वो। Soon he found a waterfall behind the rock. और पत्थरों के पीछे उसको वो झरना नजर आया। ही वेंट नियर टू द फॉल एंड पुट्स हिज हैंड इन द वाटर और वो झरने के पास गया और उसने अपना हाथ पानी में डाला। टू हिज अमेज ही डिस्कवर दैट वाटर वॉज नॉट वाटर बट साके और उसके आश्चर्य से वो जब उसने ये पाया कि जो पानी है वो पानी नहीं बल्कि वो साके है, ही बिकेम हैप्पी एंड फिल्ड सम साके इन हिज पिचर। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने अपने बर्तन में साके को भर लिया क्योंकि वो यही चाहता था। अपॉन रीचिंग द हाउस ही गेव द साके टू हिज फादर। जब वो घर पे पहुंचा तो उसने साके अपने फादर को दिया। द फादर सिप्ड द साके एंड स्टार्टेड डांसिंग इन जॉय। जिनके फादर है उन्होंने साके को पिया और वो खुशी से नाचने लगे। द स्प्रेड ऑफ न्यूज टू द विलेजर और जब स्प्रेड करना था फैलना, जो ये घटना हुई ये समाचार पूरे गाँव में फैल गई। अ नेबर came in the evening और एक पड़ोसी शाम को आया। Father offered her a cup of sake। तो फादर ने उनको भी sake offer किया, उनको भी sake दिया। The woman happily took the sake। और जो महिला थी उसने sake को खुशी खुशी ले लिया। Father told her about all the incident which happened to Taro। तो उनके जो फादर ने जो भी incident हुआ था कि तारो पानी पीने गया था तो वहाँ पे पानी की जगह उसको साके मिला, तो उन्होंने सारा इंसिडेंट उस लेडी को बताया कि तारो के साथ क्या हुआ था वहाँ पे। नाउ दिस वुमन स्प्रेड द न्यूज टू ऑल द पीपल इन द विलेज। अब इस महिला ने सारी जो न्यूज वो पूरे गांव में फैला दी। एवरी विलेजर रश्ड टू तारोज होम एंड टेस्टेड द साके। सभी लोग
तारो के घर की तरफ दौड़े और उन सबने साकी को चखा। वाटर फॉर द विलेजर साकी फॉर तारो। द नेक्स्ट डेज यानी कि गांव वालों के लिए वो पानी है पर तारो के लिए क्या था वो साकी। अब हम इसको एक्सप्लेनेशन मोड में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो अगेन वोक अप अर्ली। अगले सुबह तारो दोबारा से जल्दी जगा। सर्च द बिगेस्ट पिचर एंड वेंट टू द वाटरफॉल। जो सबसे ज्यादा बड़ा बर्तन था उसने उसको ढूंढा और फिर वो धनी तरफ गया। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दैट अदर विलेजर्स वर आल्सो गोइंग टू द फॉल। वो भी आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उसने भी पाया कि बाकी जो विलेजर्स हैं वो भी वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। सून पीपल रीच द फॉल एंड टेस्ट द साकी। और बहुत ही जल्द लोग तरफ पहुंच गए और उन्होंने साकी को टेस्ट भी किया। बट दे फाउंड दैट वाटर ऑफ दिस फॉल वाज नॉट साकी बट प्लेन वाटर। और उन सबने पाया कि जो पानी है फॉल का जो झरने का पानी है वो साकी नहीं है पर वो एक सिंपल सा नॉर्मल पानी है। पीपल बिकेम एंग्री एंड डिसाइडेड टू ड्रॉप तारो इन द फॉल। और लोगों को जाहिर सी बात है गुस्सा आ गया क्योंकि वो उन्होंने तो साकी एक्सपेक्ट किया था पर साकी नहीं था पानी था। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने तारो को जो झरने की तरफ खींचना शुरू कर दिया। तारो हिट बिहाइंड द रॉक और तारो पत्थर के पीछे छुप गया एंड वेटेड टिल ऑल द विलेजर्स वेंट होम। और उसने तब तक वहाँ तक वेट किया तब तक जब तक सारे जो विलेजर्स थे अपने घर वापस नहीं चले गए। ही नाउ टेस्टेड द वाटर अगेन। तो इसने पानी को दोबारा से टेस्ट किया बट टू हिज सरप्राइज ही स्टिल फेल्ट दैट इट वाज साकी। फिर से उसको सरप्राइज मिला वो खुद आश्चर्यचकित हो गया कि वो साकी है। गाँव वाले के लिए वो प्लेन वाटर से बोलो तारों के लिए साके टेस्ट कर रहा था। फॉल वॉज गिविंग तारों साके वाइल टू विली जैसे वॉज गिविंग प्लेन वाटर। जो झरना था वो तारों को साके दे रहा था तो बाकी जो विलेजर्स थे उनके लिए वो सिर्फ एक सादा पानी था। अवॉर्ड बाय द किंग। अब देखते हैं कि जो राजा है उसने अवॉर्ड दिया इसके तारों को। द स्टोरी ऑफ तारों केयर फॉर हिज पेरेंट्स रीच द किंग। जो ये कहानी जो ये वाली जो कहानी है तारो के अपने पेरेंट्स की कैसे टेक केयर कर रहा है ये कहानी राजा तक पहुंची। ही अवॉर्डेड तारो 20 पीसेस ऑफ गोल्ड टू इनकरेज अदर चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स। फिर उसने तारो को 20 सोने के सिक्के दिए और वो सिक्के क्यों दिए ताकि वो लोग और लोग प्रेरित हों इनकरेज हों कि जो बच्चे हैं जो चिल्ड्रन हैं वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करें। यानी कि अगर आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे तो इसके लिए आपको भी किंग से क्या मिलेगा अवार्ड मिलेगा। इस चीज़ को वो इनकरेज करने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने तारो को 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिए। नाउ लेट्स डिस्कस द मोरल ऑफ द स्टोरी। हमें क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से। वी शुड टेक केयर ऑफ आर पेरेंट्स एंड एल्डर। हमें अपने माता पिता का पेरेंट्स का और जो हमारे बड़े हैं उनका हमें ध्यान रखना है। गॉड हेल्प्स ओनली दोज पर्सन हु टेक्स गुड केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। और भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपने पेरेंट्स की देखभाल करते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग इन दिस स्टोरी। दिस वॉज रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। सी इन द नेक्स्ट लेसन एवरीवन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर लेसन लाइक दिस। चेक आउट अदर वीडियो लेसन बाय क्लिकिंग ऑन द वीडियो।